मेरी पिछली वीडियो में आप सभी लोगों के बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट आए, जिनमें से मैंने कुछ कमेंट सिलेक्ट किए हैं और आज का वीडियो उन्हीं कमेंट्स में पूछे गए सवालों पर है। तो चलिए वीडियो में देखते हैं मैंने कौन कौन से क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं और किन किन लोगों के क्वेश्चन इस वीडियो में आ पाए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का सवाल पूछते हैं आयुष सिंह कुशवाहा। आयुष जी कहते हैं, सर ऐसा कोई ध्यान है जिससे मेरी कुंडलिनी शक्ति भी एक्टिवेट ना हो और मैं विचारों के लिए ध्यान कर सकूं, क्योंकि चक्र एक्टिवेट करने से बहुत नुकसान है। देखिए, कुंडलिनी के जितने फायदे बताए जाते हैं उससे कहीं ज़्यादा कुंडलिनी को लेकर लोगों को डराया जाता है। सच तो यह है कि कुंडलिनी शक्ति के जागरण के साथ किसी तरह का हानिकारक अनुभव नहीं जुड़ा है। कुंडलिनी स्वयं शक्ति का रूप है। शक्ति जागृत होने के बाद कभी साधक का हित नहीं करती। दरअसल कुंडलिनी जागरण तो एक दिव्य स्थिति है और कुंडलिनी जागरण होने के बाद मानव अनेक अनुभवों को हासिल करता है। इंटरनेट के बाजार में कुंडलिनी का फंसना, कुंडलिनी का ब्लॉक होना, सुषुम्ना नाड़ी का ब्लॉक होना या कुंडलिनी का बिना किसी कारण जागृत होकर सहस्त्रार्थ चक्र तक पहुंच जाने जैसी अनेक बातों की चर्चा की जाती है। पूरी दुनिया में हजारों लोगों के कुंडलिनी सिंड्रोम से पीड़ित होने का दावा किया जाता है। आपने कई लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि मेरी कुंडलिनी अचानक जागृत हो गई और किसी खास स्थान पर आकर अटक गई है। कोई कहते हुए दिखाई देगा कि मुझे कुंडलिनी जागरण के कारण अनेक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मेरी रीढ़ की हड्डी में बहुत तेज दर्द हो रहा है। रीढ़ की हड्डी से अजीब तरह की आवाजें आ रही हैं। मेरी बॉडी पूरी तरह से लॉक हो गई है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ गर्म मेरे शरीर में घूम रहा है और मेरे अंदर की ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दरअसल लोग जिसे कुंडलिनी के साइड इफेक्ट्स बता रहे हैं वह उनकी आंतरिक ऊर्जा के तंत्र में गड़बड़ी के संकेत हैं, ना कि कुंडलिनी शक्ति के जागने के कारण उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है। देखिए, ऐसा महसूस होने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे यदि आपने बिना सोचे समझे शरीर के किसी हिस्से पर, चक्र पर लंबे समय तक एकाग्रता से ऊर्जा को इकट्ठा करने का प्रयास किया है या किसी चक्र को त्राटक से या ध्यान से जागृत करने की लगातार कोशिश की है, तो उसका यह दुष्परिणाम हो सकता है। या फिर यदि आपने योग की क्रियाओं में जल्दबाजी में कुछ गलत पोस्चर ले लिए हैं, कुछ गलत मूवमेंट ले लिए हैं और इसकी वजह से वह एरिया हर्ट हो गया है, तो यह उसका दुष्परिणाम हो सकता है। आपने गलत तरीके से प्राणायाम का अभ्यास किया है या गलत तरीके से किसी तरह की क्रियाबंध या मुद्रा लगाई है, उसका भी दुष्परिणाम हो सकता है। आप कई बार गलत ढंग से चलते हैं, गलत ढंग से घूमते हैं, गलत ढंग से एक्सरसाइज करते हैं, गलत ढंग से गर्दन घुमाते हैं, आंखों को मिचमिचाते हैं, इसका भी यह दुष्परिणाम हो सकता है। हो सकता है आपने लंबे समय तक बिना सोचे समझे ध्यान किया हो, अचानक आप गहरी नींद से उठ गए हो, अचानक आपने कोई बॉडी पोस्चर चेंज किया हो, आपने किसी क्षेत्र में प्रेशर दिया हो, वहां पर गर्माहट बढ़ी हो और आपने उसे इग्नोर कर दिया हो। यह सारी नकारात्मक प्रतिक्रियाएं कुंडलिनी जागरण की वजह से नहीं बल्कि हमारी ही किसी मानवीय भूल के कारण होती हैं। तो आपको यहाँ डरने की आवश्यकता नहीं है कि कुंडलिनी शक्ति अगर जागृत हो जाती है तो यह आप पर दुष्प्रभाव करेगी। और एक बात जो आपको ध्यान रखनी है, कुंडलिनी जागरण इतना आसान नहीं है जिसे बस कह लेने मात्र से आप जागृत कर लेंगे। तो आपको यहाँ डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर फिर भी आप अपने विचारों से मुक्ति चाहते हैं तो आप विपस्सना मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर अब भी कुंडलिनी जागरण से लेकर आपके कोई प्रश्न हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगले किसी वीडियो में मैं कुंडलिनी जागरण के बारे में एक डिटेल वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिससे आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। दूसरा सवाल पूछते हैं एसके। एसके कहते हैं, भाई लूसी ड्रीमिंग में क्या होता है? लूसी ड्रीमिंग मेडिटेशन क्या नॉर्मल मेडिटेशन से 8 गुना पावरफुल होता है? देखिए, लूसी ड्रीम यानी मायाजाल में खुद की रचना को जीना है। ये शब्द इसलिए सबसे सटीक बैठता है क्योंकि लूसी ड्रीम में हम खुद की कल्पना द्वारा किरदार और स्थान के साथ साथ घटना की रचना करते हैं। ये सब हमारी इच्छा, पर्सनल स्वार्थ या अनुभव के आधार पर महसूस किया जाता है। देखिए, जो इच्छा दिन भर में पूरी नहीं होती है उन्हें रात्रि में, ख्वाब में यानी सपनों में अपनी मर्जी से जिया जा सकता है, जिसके जरिए हम खुद को बेहतर भी बना सकते हैं, वहीं दूसरी ओर माया जाल में फंस भी सकते हैं। यानी लूसी ड्रीमिंग जितना ज्यादा पावरफुल है उतना ही ज्यादा आपके लिए खतरनाक भी है। बाकी लूसी ड्रीमिंग के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो अपलोड कर दूंगा। अब राधा कृष्णा पूछते हैं कि सर आई हैव सम क्वेश्चंस, प्लीज आंसर। पहला क्वेश्चन उनका है कि विच टाइप ऑफ मेडिटेशन डू यू डू।
यानी राधा कृष्णा जानना चाहते हैं कि मैं किस तरह का मेडिटेशन करता हूँ। देखिए मैं ज्यादातर विपसना मेडिटेशन करता हूँ। और ये पूछते हैं हाउ मच टाइम, कितने समय। देखिए मेडिटेशन कितने समय किया जाए यह मायने नहीं रखता है, मायने यह रखता है कि आप मेडिटेशन को किस प्रकार कर रहे हैं। ज्यादातर हमारे साथ क्या होता है कि हम मेडिटेशन करने तो बैठ जाते हैं लेकिन हमारे अंदर चल रहे विचार हमें मेडिटेशन करने ही नहीं देते हैं। हम सिर्फ अपने आप को बेवकूफ बनाने के लिए बैठ जाते हैं कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, जिसका कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप दिन में 15 से 20 मिनट भी मेडिटेशन कर लेते हैं तो उसका भी एक अच्छा इम्पैक्ट आपके शरीर पर पड़ेगा और आपको एक अच्छा रिजल्ट महसूस होगा। उनका तीसरा सवाल है कि हाउ टू गेट स्पिरिचुअल नॉलेज। देखिए मेरा बचपन से ही स्पिरिचुअल चीजों के बारे में जानने की उत्सुकता रही है, जिसके कारण मैंने आध्यात्मिक रास्ते को चुना है और मैं ज्यादा से ज्यादा आध्यात्म के बारे में जानना चाहता हूँ। अभी मेरी आध्यात्मिक जर्नी चल रही है तो यह कहना गलत होगा कि मेरे पास कितनी स्पिरिचुअल नॉलेज है। चौथा सवाल पूछते हैं व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस। देखिए सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता। वैसे आत्म जागरूक बनना जीवन के निर्माण में एक प्रारंभिक कदम है। आत्म जागरूक होने का मतलब आपके व्यक्तित्व का तेज एहसास है, जिसमें आपकी शक्तियां कमजोरियां आपके विचार और विश्वास आपकी भावनाएं और आपकी प्रेरणा शामिल है। देखिए यदि आप स्वयं से अवेयर हैं तो अन्य लोगों को समझना और यह पता लगाना आसान हो जाता है कि वे आपको बदले में कैसा महसूस करते हैं। इससे आपको यह पता लगाने में मदद मिलती है कि आपका पैशन और आपकी फीलिंग्स क्या हैं और आपकी जो पर्सनैलिटी आपके जीवन में आपकी मदद कैसे कर रही है। जब आप आत्म जागरूक होते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके विचार और भावनाएं आपको कहां ले जा रही हैं। एक बार जब आप अपने विचारों शब्दों भावनाओं और व्यवहार से अवगत हो जाते हैं तो आप अपने भविष्य की दिशा में बदलाव करने में सक्षम हो पाते हैं। पांचवा सवाल पूछते हैं हाउ टू थिंक आउट ऑफ लिमिट्स। देखिए आउट ऑफ लिमिट सोचना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लिमिट से बाहर सोचना आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। कोई भी चीज अगर आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं तो हो सकता है वह आपको एक अच्छा रिजल्ट दे, लेकिन बहुत ज्यादा सोचना भी आपको नुकसानदायक भी हो सकता है। हाँ, कोई भी एक्शन करने से पहले उसके बारे में सोचना बहुत अच्छी बात है। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले परिस्थिति को भांप लेना ही एक अच्छे क्रिएटिव माइंड की पहचान होती है। देखिए इतना आसान नहीं है कि मैं आपको एक शब्द या परिभाषा में बता दूं कि आप आउट ऑफ लिमिट कैसे सोच सकते हैं। इसके लिए मैं आगे एक सेपरेट वीडियो ला दूंगा जिससे आपको आउट ऑफ लिमिट कैसे सोचना है इसके बारे में पता चल जाएगा। छठा क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज योग निद्रा। देखिए योग निद्रा आध्यात्मिक नींद है। यह वह नींद है जिसमें जागते हुए सोना है। सोने व जागने के बीच की स्थिति ही योग निद्रा है। इसे स्वप्न और जागरण के बीच की स्थिति मान सकते हैं। यह झपकी जैसा है या ये कहें कि अर्धचेतन जैसा है। कहा जाता है कि देवता इसी निद्रा में सोते हैं। देखिए योग निद्रा योग की ऐसी विधि है जिसे करके आप तरोताजा महसूस कर सकते हैं। योग निद्रा कोई छोटा शब्द नहीं है, इसके बारे में भी आपको डिटेल वीडियो में ही समझ में आ पाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। अगर आज की वीडियो से रिलेटेड आपके और भी क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।